हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी दबा देना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। दोस्तों भगवा कलर, जी हाँ दोस्तों, आपको पता है जनवरी महीने कौन भूल सकता भाई, कौन भूल सकता पठान मूवी जब रिलीज हुई थी, बेशरम सॉन्ग उसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी। बायकॉट के जो अंधभक्त थे जाग गए थे दोस्तों और पठान को बायकॉट करने लगे थे। मतलब कि देश में एक अलग ही माहौल बना दिया गया था ऑरेंज कलर को भगवा कलर बताने के लिए। कोई कसर नहीं छोड़े अंधभक्त लोग। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ कि अभी रिसेंटली एक सॉन्ग रिलीज हुई है, आपको पता ही है, टाइगर थ्री का, जो कि नाम है दोस्तों लेके प्रभु का नाम, जहाँ पर कैटरीना कैफ, जी हाँ दोस्तों कैटरीना कैफ भगवा कलर की पहनी हुई है ड्रेस और डांस कर रही है दोस्तों। हालांकि आपको बता दूं कि नोटिस बहुत लोगों ने नहीं किया है, खास कर ये जो अंधभक्त हैं इन्होंने भी नोटिस नहीं किया कि ये भगवा कलर ही है, क्योंकि उन्होंने समझ गए कि अगर इसको हम बाइकआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो पठान के साथ हुआ बाइकआउट करने के बाद मुंह काला हो गया था वो लोगों का, क्योंकि बाइकआउट हुआ नहीं था और पठान बनी थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी और सबसे ज़्यादा ओपनिंग देने वाली मूवी। तो ये समझ गया कि अगर यहाँ पर कैटरीना कैफ बोले तो यार इनका भगवा कलर निकाल के मैं बाइकआउट करूँगा टाइगर थ्री को, तो कहीं ना कहीं यार ये मूवी का भी वही चीज़ होने वाला है, बायकॉट गैंग का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि बायकॉट गैंग तो बायकॉट करेंगे लेकिन सपोर्ट मिल जाता है, तो ये मूवी भी बहुत बड़ी ओपनिंग बन जाएगी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन जाएगी। खैर, इनको बायकॉट करने ना करने से कोई फ़ायदा नहीं है। टाइगर थ्री की बात करें तो टाइगर थ्री ऑलरेडी सबसे ज़्यादा ओपनर मूवी बनेगी और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी ये साल की ये टाइगर थ्री ही बनेगी दोस्तों। हमारे एक दीपक भैया हैं, दिल्ली के दलाल दीपक भैया बोलते हैं उनको, वो सलमान भाई के पक्ष में हमेशा बोलते हैं, मतलब कि वो नेगेटिविटी नहीं करते सलमान खान को लेके, लेकिन वो वर्ड एक ही इस्तेमाल करते हैं कि बजरंगी भाईजन है वो, बजरंगी भाईजन है वो। तो सलमान खान का फुल सपोर्ट रहता है उनके ऊपर, सलमान खान को फुल सपोर्ट करते हैं वो, जब भी देखो तब भी दीपक भैया हमारे जो सपोर्ट में लगे रहते हैं। लेकिन भगवा कलर इस बार उन्होंने नहीं निकाला, उनको पता है कि सलमान खान की मूवी है, भगवा कलर निकालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सलमान भाई का एक अलग स्टारडम है दोस्तों, सभी को पता है, इनको बायकॉट की ज़रूरत नहीं है। ये अपनी मूवी में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी चीज़ भी नहीं डालते हैं जो अंधभक्तों को दिल में लगे, लेकिन शायद अंधभक्त जो हैं वो ध्यान नहीं दिए इस बार, शायद ध्यान देते तो ज़रूर बाइकआउट करते हैं, लेकिन ध्यान दे के भी क्या करेंगे। मगर सोशल मीडिया पर आप देखोगे दोस्तों तो अंधभक्त लोग हैं, कुछ लोग जो कि बाइकआउट कर रहे हैं, एक कुछ चिंदी लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, कुछ चिंदी लोग ही है दोस्तों। तो गाइस बस इतना ही, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं अंधभक्तों के बारे में। बाकी आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी आप हमें ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।